लालू खेत तो मैं भूल ही गया था यार, अपना शहर का एक इलाका जहाँ का मिजाज ही अलग है, कराची का मिजाज ही अलग है। कराची में तो किसी टाइम पूछ लो क्या टाइम हुआ, अबे तेरे बाप की नौकरी है टाइम करने पर, अपना काम करो भाई घर पे बस के अंदर करो, तो टाइम अंदर नहीं खड़ा जाए अंदर, अगर टाइम देखने ना छोड़ो अपनी घड़ी घड़ी तो जमें किसी बाप का नौकरी है टाइम देखने पाँच बजे खड़ा हूँ जब टाइम पूछोगे तेरे बाप का नौकरी है टाइम करो। शुरू होते लोग यार अलग ही लोग हैं बिल्कुल, कराची के लोग ही अलग है। कराची में मेमन यहाँ पे बहुत होंगे मुझे उम्मीद है, मेमन कम्युनिटी बहुत है। दो बातें मेमनों के लिए नहीं करूंगा तो मेरा मेमनों पर जो मेरे पे कर्ज है वो नहीं उतरेगा, क्योंकि आई लव मेमन रियली आई टेल यू दिस इज ट्रू कि मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ मेमनों का है। कराची के मेमनों ने हमेशा मेरे बड़ी अप्रिशिएट किया है, मैं आज उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं, लोग कहते कंजूस है, मैं कहता हूँ अकलमंद लोग हैं। कंजूस नहीं, हमारे मोहल्ले में एक हाजी साहब आँख पे हाथ रख के जा रहे हैं, मैंने कहा साहब क्या हो आँख खराब है, बोला नहीं तो, मैंने कहा हाथ हटाओ ना, बोला काय को जब एक आँख से सब नजर आ रहा है दूसरी क्यों खोलूँ। एक हमारे मोहल्ले में रहता है साहब, मेरे को नजर आए दोपहर को बोतल लेकर आ रहे और रूह अफजा की, मैंने कहा इसमें क्या है, बोला यार वो यूरिन टेस्ट कराना ना वो लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा यूरिन टेस्ट कराना, बोला वो लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खरीद आऊँ जरा गुर्दे में प्रॉब्लम, अच्छा ले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मिले फिर वो शीशी हाथ में भरी हुई, मैंने कहा टेस्ट हो गया, बोला हो गया, तो मैंने कहा यूरिन फेंका नहीं, बोला नहीं डॉक्टर ने बोला इसमें शुगर है। एक मेहमान साहब मर रहे थे, सारे घर वाले लोग लगे मरे हुए, हाजी साहब मरी हुई, हाजी साहब पटी हुई, खलास थी गया, हाजी साहब इतने रोए, हाजी साहब जिंदा हो गए। घर वाले बोले जिंदा हो गए, हाजी साहब जिंदा हो गए, बोले मैं जिंदा नहीं हुआ ये बताने के लिए उठा हूँ, बाथरूम की बत्ती बंद करो बिल बहुत आएगा। बहरहाल ये माहौल को बदलने के लिए थोड़ा सा मैंने ये काम किया कि जरा सा माहौल अब सही हो जाए, लेकिन जहाँ तक मैं उमर शरीफ शो मियामी में हम पेश कर रहे हैं और जैसा कर रहे हैं ये आपके हसीन हाथ बता सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने बेस्ट परफॉर्मेंस करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तान के एक ऐसी फनकारों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिन जो माजी में आप चले जाएँ तो आप देखेंगे कि नदीम मोहम्मद अली वहीद मुराद इनके दौर में आप जाएँ तो एक नाम आता है एक फिल्म स्टार का, और जिनकी खूबसूरती उनके गालों में पड़े हुए छोटे छोटे से डिम्पल जिसको कहते हैं गढ़े, वो एक उनका स्टाइल था शर्माना, एक खास स्टाइल मशरकी जिसको कहते हैं, वो बड़ा स्टाइल था उनका और बहुत राज के उन्होंने इंडस्ट्री में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये हमारे लिए बड़े भाई से फख्र बात है कि वो हमारे साथ हैं। आप अपनी तालियों को रिदम में बनाइए, मैं उन्हें बुलाता हूँ मेरे शो में। खातून हज़रात आपकी भरपूर तालियों में फिल्म स्टार निशो, कम ऑन मैन, निशो जी हमारे सामने मौजूद है, आपको खुशामदीद कहते हैं जी, हम आपको उमर शरीफ शो में मियामी के इस खूबसूरत स्टेज पर और इस हसीन तरीन ऑडियंस के सामने। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आप लोगों के सामने आकर आप लोगों से बात कर बहुत खुशी महसूस हो रही है। फनकार जो होते हैं अपने मदाहों के उनके अप्रिसिएशन के उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि फनकार का सराहना उनको पसंद करना ही हम लोगों की ज़िंदगी है। शुक्रिया। आपने फिल्मों में बहुत काम किया, वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, कौन इसमें से बेस्ट था, वहीद मुराद? ये जब फिल्मों में आई मैं स्कूल में पढ़ता था भाई, माइक ऑन कर लीजिए जी, अब बोलिए। मैं भी मैट्रिक करने के फौरन बाद बाजी फिल्म में कास्ट हुई, मुल्क के दो नामवर फिल्मकारों के साथ नदीम और मोहम्मद अली। मैट्रिक करते के साथ ही आपको क्या जी? मेरा रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। आपको रिजल्ट पे एतबार नहीं था? नहीं, डॉक्टर बन जाती क्या बुरा बड़ा, रिजल्ट पे तो एतबार था। अच्छा। ये भी डॉक्टर ही होते हैं, मैं आपको बताऊं फनकार बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। आप तो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, आपने तो रंगीले का इलाज कर दिया था। बहुत बड़ी डॉक्टर, इन्होंने को खौफ खुदा नहीं आया, इतने करीब खड़ो के रंगीले के कह दिए सब तो सोने हाय वे मन मोड़े।
मैं तेरी हो गई प्यार बीच खो गई। देखें कितनी बड़ी मिसाल कायम की है। खूबसूरत लोगों को तो सब कहते हैं वे सब तो सोनिया सब तो सोनिया। मैं भी अपनी तारीफें सुन सुन के तंग आ गई थी। मैंने कहा ऐसे आदमी की तारीफ की जाए जो कि लोग ना उसकी तारीफ करते हों। यानी एक रूटीन से हट के बात की और मिसाल बन गई। क्या मिसाल रंगीले साहब की। मैं भी बड़ी इज्जत करता हूँ कि वक्त निकाल के इंसानों में पैदा हुए और एडजस्ट हो गए, ये बड़ी बात है। आपके ऊपर एक गाना पिक्चर हुआ था सब तो सोने हाय में मनमोनिया। हाँ जी बहुत खूबसूरत गाना था। क्या वो हल्का सा गा सकते हैं गुनगुना सकते हैं? आप अभी भी शर्माती हैं, क्या वजह क्या है? आपकी फितरत में तो नहीं? नहीं आदत पक गई है। पक गई, इसको खत्म करें या अमेरिका है? खातिन हज़रात मैं कहता हूँ हल्का सा थोड़ा सा गाना हो जाए सब तो सोने हाय में मनमोनिया। आपकी तालियाँ चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से वी सब तो सोनिया हाय वी मनमोनिया वी सब तो सोनिया हाय वी मनमोनिया वी सब तो सोनिया हाय वी मनमोनिया। मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वी सब तो सोनिया हाय वी मनमोनिया। डिग पेंदे तारे वे वे डिग डिग पेंदे तारे वे खोल दे बुलिया बिना रख रख के विहासे प्यारे प्यारे वे विहासे प्यारे प्यारे वे होर अजमाना हाय वे तरसाना अजमाना हाय वे तरसाना। मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया वे सब तो सोनिया। शर्मीला वे तू बोता क्यों शर्मीला वे नैन मेरे तो दिल पे मांग दे तू बोता रंग रंगीला वे तू बोता रंग रंगीला वे इश्क दा बादशाह तू हुस्न दा शहनशाह तू इश्क दा बादशाह तू हुस्न दा शहनशाह तू। मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया। मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया। थैंक यू। आप जरा लेट हो गए। चले मेरे पे भी गाना पिक्चर हो जाए क्या बुरी बात है। सब तो सोनिया जब उन पे हो सकता हम पे क्यों नहीं हो सकता।